बीकानेर के नवनियुक्त कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने पैदल चलकर शहर के विकास और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के साथ समस्याओं के समाधान की संभावनाओं पर चर्चा की। सरकार की जारी योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के साथ तमाम मुद्दों पर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता के सिंह ने। मरुनगरी बीकानेर में भी अब कोविड की स्थिति धीरे धीरे कहा जा सकता है नियंत्रण में आ रही है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल जी के पास, बात करेंगे हम उनसे, क्या स्थिति है बीकानेर में आपने आने के बाद में। जो कोविड की तीसरी लहर चल रही है और शुरुआत में उसमें वॉल सिटी के अंदर कुछ केसेस आए थे, संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में पॉजिटिविटी रेट भी कम हुई है और एक्टिव केसेस की संख्या भी कम हुई है। आज की तारीख में 1904 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 1870 लोग होम क्वारंटीन में हैं और इस तरह से लगातार पॉजिटिविटी रेट और संक्रमण की दर में कमी आ रही है। आप क्योंकि बीकानेर में आपने नया ही पदभार संभाला है, अगर हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में तमाम समस्याओं की अगर हम, हालांकि आपने आज सिटी राउंड भी लिया है बीकानेर के जो रेलवे फाटक की जो बड़ी समस्याओं को बात करें, तो इन सबको देखते हुए क्या मानते हैं किस तरह से निपटाया जाएगा। रेलवे फाटक की काफी लंबे समय से यहाँ पर मांग है और जब मैंने ज्वाइन किया था तब सबसे पहले इसी समस्या के बारे में बताया गया था। अगर इस समस्या का समाधान होता है तो बहुत बड़ा काम यहाँ बीकानेर शहर के लिए और जिले के लिए भी होगा। उस समस्या के निदान के लिए आज मौके पर जाकर स्थिति को देखा गया था किस तरह से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अधिकारियों को मौके पर ले जाया गया था और उसके साथ सिटी राउंड देके साफ सफाई की व्यवस्था भी देखी थी। उसके बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग लिए, वो आगे कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास विकल्प उपलब्ध है उसमें से हम इस समस्या का समाधान किस तरह से कम फंड में अधिक से अधिक लोगों को सहायता दिला सकते हैं ताकि सभी लोग उसको स्वीकार कर सके। बीकानेर सर बड़ा शहर है, जिला भी बहुत बड़ा है, इंडो पाक बॉर्डर है, इन सबको देखते हुए माने तो इसमें आपकी प्राथमिकता अगर रहनी है तो किस तरह से। देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि जो हमारे बजट अनाउंसमेंट है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, वो समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो, जो भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक जाए, गांव-गांव ढाणी ढाणी जो व्यक्ति है पात्र हैं उनको हम ढूंढ के उन लाभों को पहुँचाएं और जो आमजन है जिनकी शिकायतें हैं जो योजनाओं में प्रोग्राम्स में, उन शिकायतों पर ध्यान देकर उनकी शिकायतों का निस्तारण करें। संपर्क पोर्टल जो है समाधान पोर्टल है और उस पर जो हमारा निस्तारण का प्रतिशत है, गुणवत्ता का स्तर है, संतुष्टि का स्तर है, कोशिश करेंगे उसमें सुधार लाए। तो ये थे भगवती प्रसाद कलाल जो बीकानेर के जिला कलेक्टर है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जहां कोविड की स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण की ओर जा रही है, तमाम तरह की तीसरी लहर से लड़ने की सुविधा बीकानेर में है। अब तक की मौतों की बात करें तो मौतें भी बहुत कम हुई है, स्थिति कहा जा सकता है अंडर कंट्रोल है। और उसके अलावा बीकानेर शहर की समस्याओं की बात करें तो इन्होंने रेलवे फाटक की समस्या को देखा और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसे पूरा भी किया जाएगा। KK सिंह, A1 TV, बीकानेर।